नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम बहुत करीब आ गया है और आपके सामने ये बोर्ड पर एक प्रश्न दिख रहा होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सवाल पढ़ दे रहे हैं, निम्नलिखित ग्राफ को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिया गया ग्राफ एक साल में 6 विभिन्न राज्यों में स्नातकों की संख्या को दर्शाती है और ये लाख में है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये 25 लाख है बाबू, ये 32 लाख है और ये 47 लाख है, ये 31 लाख है, ये 45 लाख है और ये 35 लाख है। और यहाँ पर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखा है। लेकिन प्रश्न में देखिए पढ़ रहा है, कह रहा है कि राज्य टी और राज्य पी में पी से स्नातकों की संख्या का अनुपात बताइए। तो आपको मालूम है, अब आप यहाँ पे कंफ्यूजन में जी रहे होंगे, ना तो पी है, ना तो क्यू है, ना तो आर है, ये है क्या? तो अब हम क्या करते हैं कि यहीं पर समझ लेते हैं कि जो 1 है ये पी है, जो 2 है क्यू है, और 3 जो है आर है बाबू, 4 जो है यस है, 5 जो है टी है और 6 जो है बाबू क्या है, यू है। अब आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो हम सवाल पढ़ते हैं बाबू। सवाल में देखें, राज्य टी, क्या बाबू? राज्य टी। तो टी का मान देखिए 45 है, टी का मान 45 रखेंगे। अब देखिए राज्य पी बाबू, पी का जो मान है, पी 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 का जो मान है यहाँ पर देखिए 25 है, तो यहाँ पर 25 रख देंगे। अब इसको कटा देंगे, 5 9 45 और 5 5 25, यानी कि 9 संबंधी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर पहला वाला कितना आसान है, लेकिन आप कंफ्यूजन में जी रहे थे कि ये पी क्यू आर एस क्या है। तो बाबू ऐसे ही एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगला देखें, राज्य आर और यू के स्नातकों की संख्या में अंतर बताइए। राज्य आर पर चलते हैं बाबू, किस में चलते हैं? राज्य आर। तो देखिए राज्य आर का मान 47 है, राज्य यू का मान चलते हैं कितना बाबू, 35 है। 47 माइनस 35, अब अंतर पूछा है तो जैसे ही घटाएंगे तो दोनों में 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 12 आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह का दूसरा वीडियो कुछ समय के बाद आपको अपलोड करके मिल जाएगा, आप उसको जरूर सॉल्व करिएगा बाबू।